हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एडवेंचर में जिसका नाम है सिनेमा क्रॉनिकल्स क्रॉसवर्ड, जहां आप सुनेंगे डिटेक्टिव सिनेमा और सीरियल्स की बेहतरीन थ्रिलिंग कहानियाँ। आप चाहे डिटेक्टिव जेनर के डाई हार्ड फैन हो या फिर कैजुअल व्यूअर, इस चैनल पर आप इंटरटेनमेंट ज़रूर पाएंगे। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हम आपके लिए आज लाए हैं अगाथा क्रिस्टी की लिखी कहानियों पर आधारित सीरियल हरक्यूल पायरो के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी। तो इस एपिसोड का नाम है हरक्यूल पायरो और एडवेंचर ऑफ क्लैपम कुक। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी हड़बड़ी में कमरे से सारा सामान पैक कर रहा है और इसी हड़बड़ी में उससे एक फ्लास्क गिरकर टूट भी जाता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा बक्सा। आखिर क्या है इस बड़े से बक्से में, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। और फिर अगले सीन में एंट्री होती है हरक्यूल पायरो की, दुनिया के सबसे अतरंगी और अजीबोगरीब हीरो हरक्यूल पायरो, जो अपनी आराम कुर्सी में बैठकर हेस्टिंग नाम के दोस्त के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। हेस्टिंग उन्हें कुछ अच्छे केस के सुझाव दे रहा होता है। एक आदमी जिसने खुद का सर ओवन में डाल दिया, खुदकुशी या फिर मर्डर, बेलग्रेविया बैंक के क्लर्क के साथ साथ कुछ पैसे गायब। हरक्यूल पूछता है आखिर कितने पैसे गायब हुए हैं। हेस्टिंग बताता है 90,000 पाउंड। पायरो कहता है ये भी कोई इंटरेस्टिंग केस नहीं है, एक 21 साल की टाइपिस्ट भी गायब है। पायरो इसे भी नकार देता है। हेस्टिंग समझाने की कोशिश करता है कि इतने सारे इंटरेस्टिंग केसेस होकर भी पायरो एक भी पसंद नहीं कर रहा। इस पर पायरो कहता है कि मुझे इससे भी ज़रूरी कुछ काम है, जैसे कि उसको वार्डरोब को अरेंज करना है, कपड़ों पर लगा एक छोटा सा दाग हटाना है, सबसे ज़रूरी काम उसकी मूछों को भी ट्रिम करवा लेना है। और इस बातचीत के दौरान एक औरत अंदर आती है जिसका नाम होता है मिस लेमन। वो पायरो की केयर टेकर होती है। वो कहती है कि उनसे कोई मिलने आया है जो कि एक क्लाइंट भी है जिसका नाम है मिसेस टॉड। हरक्यूल पायरो उन्हें अंदर भेजने के लिए कहता है। मिस टॉड अंदर आती है, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद पायरो से कहती है कि आप, मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे नहीं दिखते। जिस पर पायरो हेस्टिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्कुराता है। मिस टॉट पायरो को इंसल्ट करते हुए कहती है कि आप न्यूज़पेपर में खुद को होशियार दिखाने के लिए पैसे देते हैं या फिर वो लोग खुद ही ऐसा छापते हैं। इस पर पायरो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। जिस पर टॉट एक्सप्लेन करती है कि आजकल के अखबारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत सी बातें बड़ा चढ़ा कर छापते हैं, आप इस बात को दिल पर ना ले। मिसेस टॉट कहती है कि मुझे आपको एक काम सौंपना है, मेरी कुक 2 दिन से गायब है, आपको उनको ढूंढ के निकालना है। इस पर पायरो चकित होता है और कहता है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। जिस पर मिस टॉट्स गुस्सा भी होती है और नाराज़ भी। उनके मुताबिक पायरो बड़े सीक्रेट गवर्नमेंट केसेस सॉल्व करके खुद को महान समझ बैठे हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक कुक का गायब हो जाना आप समझ नहीं पाओगे, किसी औरत के लिए एक अच्छा कुक किसी भी गहने से कम नहीं होता। इस पर पायरो कुछ देर सोचता है और फिर अपना निर्णय बदल लेता है, मिस टॉट्स को मदद करने का फैसला लेता है। और फिर मिस टॉट्स अपना एड्रेस बताती है, 88 प्रिंस अल्बर्ट रोड क्लैपम, और फिर शुरू हो जाती है पायरो की केस सॉल्व करने की यात्रा। क्लैपम के रास्ते में पायरो मिस टॉट्स को पूछता है कि आपने कहा कि आपकी कीमती कुक बुधवार के दिन से गायब है, जिस दिन उसकी छुट्टी भी थी यानी कि परसों की, क्या आपको नहीं लगता मिस टॉट्स कि उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, क्या आपने सारे अस्पतालों में इसकी छानबीन की? इस पर मिस टॉट्स कहती है कि हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज सुबह ही उसने अपना बक्सा घर पर मंगवा लिया। पायरो उस कुक के बारे में और जानकारी लेता है। मिस टॉट्स उन्हें बताती है कि वह काफ़ी रिस्पेक्टेबल कुक थी, अपने पहले मालिक के यहाँ उसने कम से कम 10 साल तक काम भी किया था। उस कुक का नाम था एलिजा डन। मिस टॉट्स उन्हें बताती है कि उनके घर पर सिर्फ 2 ही नौकर काम करते हैं, एक है मिस एलिजा डन और एक एनी जो कि उनकी मेड है। क्लैपम पहुंचने के बाद पायरो और हेस्टिंग्स सबसे पहले एनी का ही इंटरव्यू लेते हैं। हरक्यूल एनी की झूठी तारीफ करता है और उसे स्मार्ट फील करवाता है और उसका ओपिनियन जानना चाहता है। एनी के हिसाब से एलिजा डन को गोरे लोगों को स्लेव बनाने वाले लोगों ने अगवा कर लिया हो सकता है। फिर पायरो उसे ट्रंक के बारे में पूछता है, उस ट्रंक को कौन लेकर जाने वाला था। एनी बताती है कि कार्टर पैटरसन नाम के आदमी के लोग ट्रंक लेने आए थे और ट्रंक पहले से ही पैक किया हुआ था। इस पर पायरो कहता है कि
कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब डन बुधवार को छुट्टी पर जाने वाली थी तभी उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। बाद में पायरो फिर से मिस टॉट्स से पूछताछ करते हैं और हमें एक नई जानकारी मिलती है। मिस टॉट्स के घर में पेइंग गेस्ट के रूप में मिस्टर सिम्पसन नाम का एक बंदा रहता है जो कि उसी बैंक में काम करता है जिसका नाम हमने शुरुआत में सुना था, बेलग्रेविया एंड ओवरसीज बैंक, जिस पर हेस्टिंग और पायरो एक्साइटेड नजर आते हैं। हेस्टिंग मिस टॉट्स से पूछता है कि ये मिस्टर सिम्पसन आखिर कैसे दिखते हैं, जिस पर मिस टॉट्स कहती है कि वो शाम 6 बजे आने ही वाले हैं, अब खुद ही क्यों नहीं देख लेते। एक घंटा वह दोनों राह देखते हुए चर्चा करते हैं कि यह इंटरेस्टिंग बात है कि जिस बैंक से क्लर्क गायब हुआ है मिस्टर सिम्पसन भी वहीं पर काम करते हैं। वो दोनों शायद एक दूसरे को जानते भी हो या फिर वह क्लर्क सिम्पसन से मिलने भी आया हो सकता है, कुक के प्यार में गिरा हो सकता है और उसे अपने साथ भगा भी ले गया हो। शाम के 6 बजे मिस टॉट्स और मिस्टर सिम्पसन घर आते हैं तब हरक्यूल पायरो और हेस्टिंग उनसे मिलने जाते हैं। पहले वो मिस्टर टॉट्स से पूछताछ करने के लिए उनसे मिलते हैं। मिस्टर टॉट्स काफ़ी कंजूस किस्म के इंसान होते हैं, वह उन्हें ड्रिंक ऑफर नहीं करते। उनकी पूछताछ के बाद पायरो मिस्टर सिम्पसन के बारे में मिस्टर टॉट्स से पूछते हैं। मिस्टर टॉट उन्हें उनके घर के 3रे माले पर मिस्टर सिम्पसन से मिलने के लिए भेज देते हैं। जब मिस्टर सिम्पसन दरवाज़ा खोलते हैं तब हम सब चौंक जाते हैं क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट में जो बंदा पैकिंग करते हुए और फ्लास्क गिराते हुए नज़र आया था वही मिस्टर सिम्पसन होते हैं। हरक्यूल पायरो को देखकर मिस्टर सिम्पसन काफ़ी चौंके हुए और घबराए हुए नज़र आते हैं। पायरो जब मिस्टर सिम्पसन की पूछताछ करता है तब वह उसे एलाइजा डन के बारे में पूछता है, जिस पर सिम्पसन काफ़ी ज़्यादा खोए खोए जवाब देते हुए नज़र आते हैं। पायरो के पूछने पर सिम्पसन बताते हैं कि वह बुधवार के दिन काम पर थे इसलिए उन्होंने एलाइजा डन को उस दिन नहीं देखा था। सवाल जवाब खत्म होकर जब पायरो जाने लगते हैं तब वह वापस घूमकर सिम्पसन से पूछते हैं कि शाम के वक्त एक नौजवान आदमी इतनी ऊपर 3री मंजिल पर अकेले आखिर क्या काम कर रहा होगा, जिस पर सिम्पसन कहते हैं यही यूजुअल काम। पायरो सिम्पसन से एक ज़रूरी सवाल पूछते हैं कि क्या वो संगीत या फिर नाटक वगैरह करने का शौक रखते हैं, जिस पर सिम्पसन हाँ में जवाब देता है। फिर पायरो चले जाते हैं। वापस रास्ते में हेस्टिंग मिस्टर टॉट पर अपना शक जाहिर करता है। इस बात को पायरो नकार देते हैं लेकिन अब पायरो इस केस में इंटरेस्टेड है। उन्हें इस केस में काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं। उनके चेहरे पर किस हल्की मुस्कान से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पायरो को केस की कड़ियाँ अब मिल रही है। अगले दिन सुबह पायरो एकदम गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाते हुए नज़र आते हैं क्योंकि मिस्टर टॉड ने एक चिट्ठी भेजकर इस केस को अभी बंद कर देने के लिए कहा होता है। मिस्टर टॉड ने साथ ही एक चेक भी भेजा होता है लेकिन गुस्से से भरे पायरो इस केस को अब सॉल्व किए बिना रुकने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे अब उनको खुद के पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े, वह उस केस को सुलझा के ही रहेंगे। बाद में हम देखते हैं मिस लेमन पायरो के डिक्टेट किए हुए खत को लिखते हुए हमें नज़र आती है, जिसमें पायरो लिखवाते हैं कि अगर एलाइजा डन इस पते पर कांटेक्ट करेगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। पायरो इस खत को सारे अखबारों में छापने के लिए मिस लेमन को कहता है और ज़बरदस्ती हेस्टिंग को भी इसी केस के काम पर चलने के लिए कहता है। पायरो हेस्टिंग को बताता है कि वो सारे डोमेस्टिक एजेंसियों को कॉल करे और पता करे उन्होंने एलाइजा डन नाम के किसी भी लड़की को क्या कोई नया जॉब ढूंढ के दिया है। इसके बाद पायरो लंदन में बैंक मैनेजर से बात करने के लिए जाते हैं जहां पर मिस्टर सिम्पसन बुधवार और गुरुवार के दिन कहां थे इसकी वो पूछताछ करते हैं। मैनेजर बताता है कि मिस्टर सिम्पसन गुरुवार के दिन छुट्टी पे थे क्योंकि उनको बुखार था। फिर हमें चीफ इंस्पेक्टर जैप दिखाई देते हैं जो कि पायरो सीरीज के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो मिस्टर सिम्पसन से इंटरोगेशन करते हैं। बैंक से गायब क्लर्क डेविस के बारे में वो सवाल पूछते हैं। वह पूछते हैं कि क्या मिस्टर सिम्पसन जानते हैं अगर डेविस छुपना चाहे तो आखिर कहाँ जाकर छुपेगा, जिस पर सिम्पसन कुछ ठोस जवाब दे नहीं पाते। इंस्पेक्टर जैप भी सिम्पसन को उसके बुधवार और गुरुवार के रूटीन के बारे में पूछते हैं, जिस पर सिम्पसन जोर डाल के कहता है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन वह छुट्टी पर था, लेकिन जैप कहता है कि यह घटना हमें गुरुवार को पता चली लेकिन शायद यह भी हो सकता है कि यह कांड बुधवार को ही किया गया हो, जिस पर सिम्पसन वह पूरे दिन काम पर ही था ऐसा कहते हैं।
उसके बाद सिम्पसन हरक्यूल पायरो को मैनेजर के कमरे से बाहर आते हुए देखता है और जैप को बता देता है। हरक्यूल पायरो जैप की नज़र चुरा कर वहाँ से निकल जाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन जैप उन्हें पकड़ ही लेता है। जब पायरो सरप्राइज होने का नाटक करते हैं, लेकिन जैप पायरो से कहता है कि क्या तुम भी इस बैंक केस में रिवॉर्ड हासिल करने के लिए इसकी पूछताछ कर रहे हो। तब पायरो सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं कि वह किसी और काम में बिजी है। इस पर इंस्पेक्टर जैप पायरो की टांग खींचते हुए कहते हैं कि आजकल पायरो डोमेस्टिक केसेस भी सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। इस पर पायरो कुछ नहीं कहते और हंसकर चले जाते हैं। इसके बाद पायरो हमें कई दिनों तक एलाइसा डन के रिप्लाई में आए खत या फिर टेलीफोन का इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं, और एक दिन अचानक मिस लेमन उस खत को लेकर आती है, जिसमें एलाइसा डन पायरो से कहती है कि उसे पहले ही अपनी कीमती अमानत मिल चुकी है, लेकिन अखबार में छापे खत के वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए एलाइसा ने उन्हें खत लिखा है और शुक्रिया भी अदा करती है। खत में लिखे पोस्टल एड्रेस को ट्रेस करते हुए पायरो और हेस्टिंग्स एलाइसा डन को ढूंढते हुए उनके गांव चले जाते हैं। उस गांव में आकर पायरो काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्हें शहर ज़्यादा पसंद होता है। मिस डन के साथ मुलाकात होने पर उन्हें पता चलता है कि एलाइसा डन ने मिस्टर टॉड को नौकरी छोड़ने के बारे में खत भी लिखा था, लेकिन उन तक वो खत पहुँचा ही नहीं। मिस डन कहती है कि उन्होंने वो खत मिस्टर क्रॉचेट को दिया था। अब हम सब सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये मिस्टर क्रॉचेट है कौन। तो हरक्यूल पायरो मिस डन को पूरी कहानी सुनवाने के लिए कहते हैं। मिस डन बताती है कि बुधवार को छुट्टी के दिन उन्हें एक दाढ़ी वाला इंसान मिला था। उस इंसान ने खुद की पहचान मिस्टर क्रॉचेट बताई थी, और उसने ये भी बताया था कि वह एक वकील है। क्रॉचेट ने उन्हें बताया कि उनके दादी ने उनके नाम पर एक बड़ा सा घर और कुछ पैसे अपने विल में छोड़े हैं। क्रॉचेट मिस डन से कहता है अगर उन्हें इस अमानत पर अपना हक जमाना है तो किसी भी तरह का डोमेस्टिक काम वह नहीं कर सकती। अगर ऐसा पाया जाता है तो इन्हें इस विल से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एलाइसा डन पहले ही मिस ट्रॉट के हकूक का काम कर रही होती है, वह इस बात से बहुत नर्वस हो जाती है। क्रॉचेट उन्हें समझाता है कि अगर वह उन्हें मिलने से पहले तक यह काम छोड़ देती है तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। मिस्टर क्रॉचेट उन्हें आइडिया देता है कि वह वेस्विक नाम के अपने गांव जाकर अपने पुश्तैनी घर में जाकर रहने लगे तो उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा और सारी जायदाद भी मिल जाएगी। तो इसलिए किसी को बिना बताए एलाइसा डन मिसेस टॉड के यहाँ की नौकरी छोड़कर चली जाती है। वह हरक्यूल को यह भी बताती है कि उसने क्रॉचेट के साथ एक खत भी लिखा था और अपने सामान की मांग भी की थी, लेकिन उनका सामान मिसेस टॉड ने वापस नहीं किया। इस पर हेस्टिंग अचानक बीच में टोकते हुए कहता है लेकिन मेडानी ने तो कहा था ट्रंक वापस दे दिया गया है। पायरो उसे चुप कराता है और जल्द से जल्द लंदन पहुंचने की बात करता है। पायरो उसी गांव से टेलीफोन करके पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है कि उन्हें डेविस का पीछा छोड़कर सिम्पसन को पकड़ना चाहिए, लेकिन हेस्टिंग अभी भी कन्फ्यूज ही है। पायरो हेस्टिंग को समझाता है कि अब यह कोई मामूली केस नहीं रहा। हेस्टिंग कहता है कि क्या यह क्रॉचेट के बारे में है। उस पर पायरो बताता है कि इस नाम का कोई बंदा है ही नहीं। पायरो हेस्टिंग को याद दिलाता है कि मैंने सिम्पसन से उसके हॉबीज़ के बारे में पूछा था, क्योंकि पूछताछ के वक्त पायरो को सिम्पसन के गालों के ऊपर नकली ग्लू के कुछ दाग नजर आए थे जो कि नकली दाढ़ी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब मिस्टर क्रॉचेट सिम्पसन ही हो सकता है। जब पायरो और हेस्टिंग मिसेस टॉड के घर पहुंचते हैं, वहाँ इंस्पेक्टर जैप अपनी फौज के साथ पहले से ही तहकीकात कर रहे होते हैं, और वो लोग मिस्टर सिम्पसन को निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि वो गांव चला गया है। पायरो की बात कोई सुनना नहीं चाहता। आखिरकार पायरो निराश होकर बाहर आता है और फिर पायरो पीछे के रास्ते से टॉड के घर की तरफ मेड एनी से मिलने जाता है और उससे फिर से पूछताछ करता है। वो कार्टर पीटरसन के आदमी जो बॉक्स लेने आए थे उनके बारे में पूछता है। एनी बॉक्स के बारे में बताते वक्त ये भी बता देती है कि बॉक्स काफ़ी हेवी था, उसी कारण उन्हें उठाने के लिए तीन लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। अब पायरो इस बात से थोड़ा चौंक कर सोचने लगता है, मानो उसने कुछ गुत्थी सुलझा ली हो। पायरो पूछता है कि क्या उस बॉक्स पर कुछ नाम वगैरह लिखा था। एनी बताती है कि उस पर मिस एलाइसा डन का नाम लिखा हुआ था और ट्विंकनहैम स्टेशन का नाम भी। पायरो इसे सुनकर एनी को बधाई देता है और उसकी तारीफ भी करता है। इसके साथ वह हेस्टिंग के साथ निकल जाता है।
उसके बाद हेस्टिंग और पायरो रेलवे स्टेशन की ओर निकलते हैं, जहाँ पर हेस्टिंग बहुत ही कंफ्यूज होता है। अगर एलिजा डन को उसका विल वाला पुश्तैनी घर देना ही था तो आखिर क्रॉचेट या फिर सिम्पसन, जो भी वो हो, उसका आखिर प्लान क्या है और उस बक्से में ऐसा क्या था। पायरो कहता है कि एलिजा डन को बेवकूफ़ बनाया गया है, वो घर असल में सिर्फ 6 महीने के भाड़े पर लिया गया था। क्रॉचेट यानी कि सिम्पसन सिर्फ एलिजा डन के पुराने बड़े बॉक्स के पीछे है, और क्यों है यह हमें अब तक पता नहीं चला। इसके बाद वो लोग स्टेशन मास्टर से मिलने जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वहां वह दाढ़ी वाला क्रॉचेट यानी कि सिम्पसन बॉक्स को ग्लासगो भेजने के लिए आया था। स्टेशन का पोर्टर बातों ही बातों में पायरो को यह भी बता देता है कि आखिरकार क्रॉचेट गया कहां। वो बताता है कि उसने क्रॉचेट के पर्स में कुछ ऐसे नोट देखे थे जिस पे बोलविया लिखा हुआ था, जिसे उसे लगता है कि शायद क्रॉचेट बोलविया जा रहा है। पायरो उस स्टेशन मास्टर की तारीफ करता है और फिर वो लोग न्यूज़पेपर में सारे जहाज़ों के आने जाने का वक्त देखने लगते हैं। मिस लेमन क्वीन ऑफ हेवन, जो कि कैरकस जाने वाला जहाज़ होता है, उसका नाम देख के उस जहाज़ के नाम की तारीफ करती है, लेकिन पायरो डांटते हुए उसे बताता है कि वो फोकस करे और बोलविया जाने वाले जहाज़ों की लिस्ट ढूंढे। उन्हें बोलविया के जहाज़ का टाइमिंग और नाम मिल जाता है, लेकिन वह पहले स्कॉटलैंड यार्ड में इंस्पेक्टर जैप को खबर करते हैं और उनकी मदद से ग्लासगो के पुलिस को वो बड़ा सा बक्सा ढूंढ निकालने को कहते हैं। चीफ इंस्पेक्टर की मदद से इस बॉक्स को वह लोग बॉक्स को ढूंढने पर उसमें आखिरकार डेविस की लाश मिलती है। इसके बाद चीफ इंस्पेक्टर पायरो पर भरोसा करने लगता है। पायरो तब सारी घटनाओं का जैप को एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में डेविस क्लर्क ने 90,000 पाउंड नहीं चुराए, बल्कि उन्हें सिम्पसन ने चुराया, वो भी बुधवार के दिन। फिर वो गुरुवार को बैंक नहीं गया बुखार का कारण बता के, उसने गुरुवार को छुट्टी ले ली। और फिर लंच टाइम में जब डेविस बैंक से बाहर आया, तब वो डेविस को मिसेस टॉट के घर लेके जाता है, क्योंकि उस दिन मिसेस टॉट घर पे नहीं होती और सारी मेट्स छुट्टी पर होती है। सिम्पसन ने डेविस को वहाँ पर मार दिया, लेकिन डेविस की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसे एलाइजा डन के बड़े से पुराने बक्से की ज़रूरत थी। ये सारा एक्सप्लेनेशन सुनकर पायरो और इंस्पेक्टर जहाज़ पे चढ़ने से पहले सिम्पसन को पकड़ने पहुंचते हैं, लेकिन और एक शॉकिंग बात सामने आती है कि बोलविया जाने वाले जहाज़ की सारी फेरियां रद्द है। तो अब पायरो कन्फ्यूज हो जाता है, आखिरकार कहाँ गलती हो गई, सिम्पसन कहाँ भाग गया। और पायरो को कुछ याद आता है, वो क्वीन ऑफ हेवन कैरकस जाने वाली जहाज़ की ओर भागने लगता है। पुलिस और हेस्टिंग भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। भागते हुए पायरो एक्सप्लेन करता है कि जो स्टेशन के पोर्टर ने बताया था वो गलत था, उसने बोलविया नहीं बल्कि बोलवार पढ़ा होगा, क्योंकि बोलवार वेनेजुएला की एक करेंसी का नाम है और सिम्पसन वेनेजुएला ही भाग रहा है। उस जगह जाकर पायरो जोर से सिम्पसन का नाम लेकर पुकारता है। सिम्पसन गलती से मुड़ जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, और इस तरह पायरो ये कॉम्प्लिकेटेड केस सुलझा लेता है। आखिर में हम पायरो को अपने घर में फ्रेम लगवाते हुए देखते हैं। मिस्टर टॉड ने उस गायब कुक के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए हुए चेक को वो फ्रेम कर रहा होता है, और यह कहता है कि ये फ्रेम उसे हमेशा याद दिलाएगी कि किसी भी छोटी चीज़ या फिर छोटे व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब एक काम वाली गायब हुई, तब उसके पीछे एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तो ये थी हमारी आज की डिटेक्टिव थ्रिलिंग रोमांचक कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। आप इस एपिसोड को सोनी लीव पर अभी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें और आपके थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लेके आने वाले हैं, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।